हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इजी नोट। दिस टॉपिक इज खसरा एंड डी फार्मा फर्स्ट ईयर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे चैनल पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑल इम्पॉर्टेंट एंड जो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किए हुए सारे नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, ये है बताना ज़रूरी है मुझे कि पहले जो वीडियोस बने हुए हैं वो थोड़े से गंदे बने हुए हैं, जो आपको थोड़ा कम समझ में अगर आ रहे हैं तो फिर मैं दोबारा आपके लिए वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खसरा, जिसे मैसेज भी कहते हैं, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? यहाँ पे तो है नहीं, नेक्स्ट पेज पे है, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत होती है, चेचक की भांति यह संक्रमण रोग है। जैसे स्मॉल पॉक्स होते हैं वैसा ही ये रोग है, जिसे खसरा कहते हैं। चेचक की भांति यह संक्रमण रोग है जो विषाणु रूबेलिया के कारण होता है। कौन से विषाणु के कारण? रूबेलिया के कारण होता है। यह वायु द्वारा फैलता है, एयर द्वारा। बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं बाहर, और अब तो ज़ीरो, क्योंकि अब कहीं कोई इतनी सारी बीमारियां नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए, ये बहुत ही इजी तरीके से मैं लिखती हूँ, और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। न्यू है तो, वैसे तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अब वेरी वेरी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, माई डियर फ्रेंड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं क्या है इनके। इनके रोगाणु नाक और मुंह में प्रवेश करते हैं। कहाँ से प्रवेश करते हैं? हमारे माउथ एंड नोज से प्रवेश करते हैं। यह गले और फेफड़ों में कुछ खराबी होती है। यदि गले और फेफड़ों में कुछ खराबी होती है हो जाती है तो अत्यंत घातक होते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं, जिसे कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मोशियोर क्या है? इनका कैसे प्रिवेंशन किया जाए? खसरा वाले व्यक्ति को अन्य से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। वस्त्र तथा बर्तन निसंक्रमित पदार्थ से साफ करने चाहिए। रोगी को छींक के लिए एक साफ कपड़ा या टिश्यू पेपर देना चाहिए। यह सूचना नगर पालिका को दें और साफ सफाई करवाएं। मेन है साफ सफाई करवाना, और साफ सफाई के पीछे तो देख ही रहे होंगे आप सभी, मोदी जी कितना अभियान चला रहे हैं। आई होप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैट सॉल्युबल विटामिन। इसकी मैं बहुत ही अमेजिंग वाली ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप जरूर देखिएगा वीडियो नेक्स्ट वाला। ओके, टेक केयर।